नमस्कार दोस्तों, अपनी पोस्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के समय में सबसे बड़ा सवाल यही है कि मेडिकल ऑक्सीजन यानी कि हॉस्पिटल में दी जाने वाली ऑक्सीजन बनती कैसे है और ये कैसे अस्पतालों तक पहुंचती है। तो आज हम आपको इस सवाल का जवाब देंगे। अभी चल रही महामारी के दौरान एकदम से पेशेंट्स बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है। लेकिन ये ऑक्सीजन बनती कैसे है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आपको बता दें कि ऑक्सीजन पानी और हवा दोनों में होती है, लेकिन जब कोई व्यक्ति ज्यादा बीमार हो जाता है तो उसे ऑक्सीजन की कमी होती है, जो कि अस्पतालों में सिलेंडर्स के द्वारा उन्हें दी जाती है। ऐसे में ऑक्सीजन बनाने के लिए एक विशेष प्रकार की विधि का इस्तेमाल किया जाता है। आपको बता दें कि हवा में 21% ऑक्सीजन होती है, 78% नाइट्रोजन होती है और इसके अलावा 1% अन्य गैसें होती हैं। वहीं पानी में भी ऑक्सीजन होती है, लेकिन इंसान पानी में सांस नहीं ले सकता। ऑक्सीजन प्लांट में हवा में से ऑक्सीजन को अलग कर दिया जाता है। इसके लिए एयर सेपरेशन की तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, यानी हवा को कंप्रेस किया जाता है और फिल्टर करने के बाद अशुद्धियां निकाल दी जाती हैं। अब इसमें से फिल्टर हुई हवा को ठंडा किया जाता है और इसके बाद इस हवा को डिस्टिल किया जाता है, ताकि ऑक्सीजन को बाकी गैसों से अलग किया जा सके। इस प्रकार से लिक्विड ऑक्सीजन बनाई जाती है और उन्हें अस्पतालों तक पहुंचाया जाता है। यह ऑक्सीजन कैप्सूल नुमा टैंकर में भरकर अस्पतालों तक पहुंचती है। अस्पताल में मरीजों तक पहुंचाने के लिए ऑक्सीजन को लगातार बनाया जाता है। सिलेंडर में भरने के बाद इस ऑक्सीजन को सीधे मरीज तक पहुंचाया जाता है। आपको बता दें कि भारत में 10 से 12 बड़े निर्माता हैं, जो कि ऑक्सीजन के गैस प्लांट बनाते हैं। और ऐसे में गुजरात, कोलकाता, चेन्नई में ऑक्सीजन के सबसे बड़े प्लांट हैं। हम आशा करते हैं ये जानकारी आपके लिए रोचक सिद्ध हुई होगी और आप इसे अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर करेंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।